हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरपी एजुकेटर। वंस अगेन आई एम हियर विद वेरी इंटरेस्टिंग ट्रिक। आज की इस वीडियो में मैं स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं ये बताने वाला हूं, और साथ ही साथ इसके एग्जांपल्स, स्केलर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के एग्जांपल्स जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उसको याद करने की ट्रिक बताने वाला हूं, और ट्रिक के थ्रू आपको याद कराने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्केलर मीन्स दैट अदिश राशियाँ एंड वेक्टर मीन्स दैट सदिश राशियाँ क्या होते हैं, इसको हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद मैं ट्रिक के थ्रू बताऊंगा उदाहरण कैसे, इसके एग्जांपल्स कैसे याद रखना है। ओके, दोनों के एग्जांपल्स बताऊंगा, वेक्टर एंड स्केलर दोनों के। पहले स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। स्केलर्स आर क्वांटिटीज़ दैट आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाई अ मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड और न्यूमेरिकल वैल्यू के थ्रू डिस्क्राइब किया जाता है इनको। ओके, या हिंदी में आप समझना चाहें तो देखिए, हिंदी में लिखा है यहाँ पर, जिन राशियों में सिर्फ परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि कहते हैं। ओके, तो ये हो गया कि इनमें ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, अर्थात परिमाण बस होता है। अब आगे देखते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर्स आर क्वांटिटीज़ दैट आर फुल्ली डिस्क्राइब्ड बाय बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनमें दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होता है। यहाँ हिंदी में अगर आप समझना चाहें, देखें, जिन भौतिक राशियों में मात्रा मतलब परिमाण और दिशा डायरेक्शन दोनों होते हैं, दोनों निहित होते हैं, उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। ठीक है, तो आप यही डिफरेंस याद रखेंगे, अदिश राशियों में ओनली मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, हिंदी में बोलते हैं परिमाण, और सदिश राशियों में परिमाण और दिशा मतलब कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होते हैं। ओके, तो चलिए अब एग्जांपल्स देख लेते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ के क्या एग्जांपल्स हैं एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ के क्या एग्जांपल्स हैं, और ट्रिक के थ्रू उसको याद रखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अदिश राशि के लिए ट्रिक, मतलब कि स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए ट्रिक ये, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए ट्रिक क्या है, उस आर्द्रता का चाबी दो। यह ट्रिक उन्हीं क्वेश्चंस को कंबाइन करके बनाया गया है जो एग्जाम्स में अभी तक आए हुए हैं और आते भी हैं बार बार। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, उस आर्द्रता का चाबी दो। तो यहाँ उसे ऊर्जा एनर्जी, फिर उसके बाद स है तो स से समय, नेक्स्ट उसके बाद आ तो आ से आयतन वॉल्यूम बोलते हैं, उसके बाद द्र तो द्र से द्रव्यमान जिसको मास बोलते हैं इंग्लिश में, फिर ता आर्द्रता, ता से ताप टेम्परेचर, नेक्स्ट है का से हो गया कार्य मतलब वर्क, इसके बाद का के बाद आ रहा है चाबी दो, तो चा से क्या हो जाएगा, चा से नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, चा से हो जाएगा चाल मतलब स्पीड, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, नेक्स्ट है चाबी वी से विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट, उसके बाद नेक्स्ट है दो से दाब मतलब प्रेशर। ओके, ये एग्जांपल्स जितने मैं कंबाइन किया हूँ, ये सारे एग्जांपल्स आते हैं एग्जाम में अदिश राशि के लिए, मतलब स्केलर क्वांटिटीज़ के लिए पूछे जाते हैं। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सदिश राशि के लिए। अब है ये सदिश राशि के लिए एग्जांपल का ट्रिक, इसको कैसे याद रखेंगे आप, ट्रिक है इसका आ बविता भावेश, ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप याद रखेंगे। तो पहला आ है, आ से आवेग हो गया। ओके, नेक्स्ट उसके बाद बविता में ब है, जो ब से बल हो गया, नेक्स्ट वी से विस्थापन एंड विद्युत तीव्रता, विस्थापन एंड विद्युत तीव्रता। ओके, वी के बाद तार है बविता, ता से क्या हो जाएगा, ता से त्वरण, नेक्स्ट भावेश में भा है, भा से भार, उसके बाद वे है तो वे से वेग, उसके बाद नेक्स्ट आ रहा है स, ओके स, तो स से हो जाएगा संवेग। इनको आप अच्छे से याद रख लीजिए, ये सदिश राशि के लिए ट्रिक है, इसके पहले का ट्रिक जो था वो अदिश राशि के लिए ट्रिक था, ये उस आर्द्रता का चाबी दो। ऐसे ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स पाने के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें, मेरा यूजर नेम है आरपी एजुकेयर।